हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर फैमिली, थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं क्लींजिंग मसाज, तो शुरू करते हैं वीडियो। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर फैमिली, थैंक यू फ्रेंड्स। हम अभी ये दोबारा से बोल रहे हैं क्योंकि पहले जो क्लिप ऐड की है इसमें तो उसका मुझे ख्याल नहीं था, तो सॉरी। तो आपको थैंक यू तो दोबारा से बोल ही सकती हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग तो हमारी फैमिली हो फ्रेंड्स। अभी हम आपके साथ एंगर दिखने के लिए फेस कटिंग कैसे करते हैं मसाज से, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, थोड़ा सा अलग ही फेस कटिंग का वीडियो है, मसाज से कैसे फेस कटिंग करते हैं। वैसे तो हम फेस मेकअप से फेस कटिंग करते हैं, तो मेकअप से फेस कटिंग थोड़ी ही देर के लिए होती है, एक घंटा वक्त लगता है फेस कटिंग का मेकअप करने के लिए और एक दिन तक रहती है। पर जो फेशियल से फेस कटिंग होती है तो महीने भर के लिए अच्छा चेहरा दिखता है आपका, बहुत ही सुंदर चेहरा दिखता है फ्रेंड्स। हर किसी में एक एक कला होती है, कोई कैसा फेशियल करता है, कोई कैसा फेशियल करता है। पर हमें 15 साल हो गए हैं पार्लर चलाते चलाते, तो पार्लर का काम करते करते कुछ अलग हमें समझ में आ जाता है कि चेहरा कैसे अच्छे दिखे, किस तरह से हम मसाज करेंगे तो चेहरा अच्छे दिखेगा। तो इसलिए हम फेस कटिंग करते हैं मसाज से। तो इस तरह से फेस कटिंग करके अभी हम तीसरे बार वॉइस ओवर दे रहे हैं फ्रेंड्स। बीच बीच में कोई ना कोई आ रहा है और फोन आ रहा था, तो इस आज के वीडियो में मुझे वॉइस देने के लिए बहुत ही वक्त लगा है। तो कान की मसाज करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम फेशियल करें, तो नहीं तो चेहरे में निखार आ जाता है, फेर आ जाता है और कान काले ही दिखते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ से ऐसी लड़की मसाज कर रही है, ऐसे करने से यहाँ की एक्स्ट्रा चर्बी झड़ जाती है और फेस कटिंग हो जाता है अच्छे से। आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा और इस पर हम बहुत ही मेहनत ले रहे हैं फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स के जवाब हम आगे पीछे देते हैं, क्योंकि हमें वक्त कम रहता है इसलिए। तो जो ये मसाज ले रही है तो उसके साइड से जो चर्बी रहती है गालों की वो कम हो जाती है। पर फेशियल करते वक्त या मसाज करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ज़रा भी हाथ इधर उधर ना सरके, ज़रा भी इधर उधर हाथ गए तो उससे क्या होता है, जैसा चाहिए वैसा ग्लो नहीं आता। किसी किसी को लगता है कि महंगे महंगे क्रीम लगाओ फेशियल के लिए और चेहरे पे कैसा भी घिसो तो निकल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज़रा भी स्टेप इधर उधर नहीं चाहिए और बिगड़े हुए स्टेप नहीं चाहिए, तभी फेशियल का अच्छे से रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम ऐसे मसाज कर रहे हैं तो चेहरे की एक्स्ट्रा चर्बी झड़ के बहुत ही फेस कटिंग अच्छे से हो जाती है ऐसे स्टेप्स से। आप लोग जो पार्लर सीख रहे हो या खोलना चाहते हो या अभी है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, तो एक बार भी आपको ऐसा फेशियल करके ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि आप एक बार ऐसा फेशियल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फेशियल से फेस कटिंग कितने अच्छे से हो जाती है और ग्लो भी कितने अच्छे से आ जाता है।
तो इसलिए आज का स्पेशली वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, ऐसा अलग सा थोड़ा सा। वैसे तो हम हमेशा ही मसाज करते हैं, पर आज इनको कुछ सिलेक्टेड ही स्टेप्स बताए हैं हमने, थोड़े से 10 या 12, और उतने में ही फेशियल करने को बोला है। हमने करीब से करीब आधा घंटे तक ये मसाज ली है, पर आपके साथ सिर्फ 10 मिनट का ही वीडियो शेयर किया है, क्योंकि उतना आधा घंटे तक वीडियो नहीं दिखा सकते। किसी को पसंद भी नहीं आता लंबा वीडियो, और किसी किसी के पास वक्त भी नहीं रहता उतना, तो हम शॉर्ट में ही 10 मिनट तक ही वीडियो बनाते हैं, 10 से कम, ज़्यादा नहीं बनाते। पर आपको इतने ही वक्त में हमारा पूरा पूरा काम ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नोज़ के पास की मसाज ले रही हूँ हम अच्छे से, क्योंकि नोज़ को भी अच्छे से आकार आ जाता है इससे। हर स्टेप ऐसे ही लेंगे तो आप एक ही फेशियल करके देखो, ऐसे स्टेप लेके खुद का भी करके देखो, तो आपको 100% रिजल्ट आता है ऐसे स्टेप लेके। बहुत ही अच्छा ग्लो भी आता है स्किन पे, और एक्स्ट्रा चर्बी झड़ा के फेस कटिंग भी हो जाती है। एंगर लुकिंग स्किन के लिए, फेस कटिंग के लिए आज का वीडियो स्पेशली है फ्रेंड्स, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा और लंबे वीडियो बड़े बड़े बनाते ही नहीं, हमारे पास भी इतना वक्त नहीं रहता, और क्लाइंट भी बोर हो जाते हैं ज़्यादा, क्लाइंट नहीं सॉरी व्यूअर्स भी बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो देखने के लिए। और जो ये आइज़ के पास की मसाज देख रहे हो आप, तो जो आइज़ के नीचे का जो एरिया रहता है, वहाँ की स्किन, वहाँ का एरिया हमारा थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, और जब जब हमारी एज बढ़ती है तो वहाँ का एरिया ऐसा उस पर एक्स्ट्रा चर्बी आ जाती है और अलग सा ही दिखता है। तो इसके लिए ये स्टेप है फ्रेंड्स, और ये दूसरी आइज़ की स्टेप है जो धीरे धीरे लेने को बोला है। कोई कोई एकदम प्रेशर देते हैं आइज़ पर और मसाज करते हैं, वो भी गलत बात है। उससे क्या होता है, अपनी आइज़ को थोड़ा सा दर्द होता है, तो आइज़ के ऊपर की कभी भी मसाज लेने को बोलो तो थोड़ा धीरे धीरे ही मसाज लेनी चाहिए। और ये जो अभी स्टेप देख रहे हो, ये स्टेप है माथे की, तो माथे की झुर्रियाँ कम करने के लिए ये स्टेप है। ऐसे करने से जो हमारे माथे पर लाइन आ जाती है वो कम हो जाती है। और ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है, पर जब भी हम इनको नया कुछ सीखना होता है, हेयर स्टाइल हो या कुछ हो, तो ये आ जाती है। और हमारा खुद का भी काम ऐसे, हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनके हाथ से ही हम कर लेते हैं। तो आगे और सारे बहुत वीडियो आपके साथ शेयर करने हैं फ्रेंड्स। हम अभी 2 दिन छोड़ के अल्टरनेट डे पे आपके साथ पहले वीडियो शेयर करते थे 1 दिन छोड़ के, तो अभी 2 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं रहता है। 1 दिन छोड़ के करते थे पहले, पर एडिटिंग में बहुत ही समय जाता है, कभी कभी 1-2 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं, तो कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, ऐसा एडिटिंग का काम रहता है, और हमारे पास उतना वक्त नहीं रहता। मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन, और हमारा खुद का गार्डन भी है टेरेस पर छोटा, और पार्लर का काम और एडिटिंग का काम, ये काम बहुत ही सारा हो जाता है। तो इसलिए 2 दिन छोड़ के अभी ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी, और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे हमारे, हमें ऐसा लगता है फ्रेंड्स, और आते भी हैं। तो अभी वीडियो ख़त्म ही होने को आया है, थोड़ा सा ही बाकी है, तो पूरा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हम थोड़ा सा स्टीम लेंगे और मसाज लेके पैक लगाएंगे, मसाज के बाद पैक लगाएंगे। तो इतना ही है आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।